जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। तो आज हम करने वाले हैं, मैं अपनी शिवलिंग का भी श्रृंगार करूंगी, उसके दर्शन आपको मैं लास्ट में करवाऊंगी। तो सबसे पहले हम स्नान कर लेते हैं, वो इसलिए कि आज से सावन शुरू हो रहे हैं। तो ये जो महीना होता है वो बहुत पावन होता है, तो आप अगर चाहें तो डेली आप मतलब अपने जो शिव परिवार है उसके आप डेली वो स्नान करा सकते हैं। और अदरवाइज़ हमारे घर में शिवलिंग का तो डेली ही होता है। और अब ये सावन के सोमवार चल रहे हैं, तो मैं अपने जो शिव परिवार है उनको भी मैं डेली स्नान कराऊंगी। तो आप चाहे तो पूरे पंचामृत से स्नान करा सकते हैं, चाहे तो दूध और पानी से स्नान करा सकते हैं। तो आप सभी को सावन की बहुत बहुत बधाई। तो अभी हम और लड्डू बाबू का भी श्रृंगार करेंगे। तो चलिए अब हम पहले करते हैं सामने वाले, मेरे पास दो लड्डू गोपाल जी हैं, पहले उनकी मतलब पहले मैं एक के आपको दिखाती हूँ दर्शन, कि मैंने इनको रेड कलर का ये मैंने अपने हाथों से पोशाक बनाई थी, तो मैंने इनको ये पहनाई है। सामने वाले पे क्या है कि रेड कलर या फिर कोई भी जैसे डार्क कलर है या फिर बहुत ज़्यादा लाइट कलर है वो आप पहनाएंगे तो बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं आपके ठाकुर जी में। और ज़्यादा मतलब ये टिप्स टाइप से है जो मैं आपको दे रही हूँ कि आप श्रृंगार ऐसे कर सकते हैं। तो जो भी मतलब पॉसिबिलिटीज़ होती हैं मैं आपको श्रृंगार की जो भी या फिर इनको नई ड्रेस पहनाती हूँ तो मैं हर बार शेयर करती हूँ। तो ये क्या है कि रेड कलर आज मैंने पहनाया, सावन शुरू हो रहे हैं तो मैंने लाला को नहलाया और नहला के मैंने इनका श्रृंगार किया। तो ये देखिए बहुत सुंदर लग रहे थे सामने वाले इस ड्रेस में। अब चलिए दूसरे लाला का करते हैं। तो ये आ गए दूसरे लाला, आज मैंने इनको भी थोड़ा सा इनका मेकअप हट गया है तो वो सोचा कि थोड़ा सा वो भी कर देती हूँ, तो वो भी मैंने किया है, तो वो भी आप देखते रहिएगा। और इनका कलर जो है वो थोड़ा गोल्डन में है, तो इसीलिए इनको मैं कोई भी ड्रेस पहनाती हूँ तो वो अच्छी लगती है। तो ये देखिए अब मैं क्या करूँगी, इनको जो भी इनके सिंगार हैं वो मैं इनको करने के बाद इनको थोड़ा सा जो लिपस्टिक है वो थोड़ी छूट गई है। और अभी मेरे पास जो भी अवेलेबिलिटी है मतलब सिंगार की वो मैं कर रही हूँ। तो मैंने इस पे ये वाली पगड़ी लगाई, तो पगड़ी वाला जो लुक है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा प्रिय है, तो इसीलिए मैं अपने काना को पगड़ी लगाती हूँ। तो ये देखिए काजल छूट गया था थोड़ा सा, तो मैंने ये काजल भी यहाँ पे लगा दिया है। और यहाँ पे मैं तिल भी लगा दूंगी कि मेरे बच्चे मयूर को नज़र ना लगे, और वो था मुरारी, ये है मयूर, तो नज़र ना लगे इसीलिए मैंने तिल भी लगा दिया। चलिए अब करते हैं तीसरे वाले के श्रृंगार। तो अब मैंने इनको भी मैंने सेम ड्रेस पहनाई है जो अपने गोल्डन वाले लड्डू को पहनाई थी। तो आज मंगलवार भी था तो इसीलिए मैंने आज इनका भी मतलब श्रृंगार किया अच्छे से। तो गर्मी ज़्यादा रहती है तो मैं इनको ज़्यादातर कॉटन के ड्रेसेस पहनाती हूँ, और मतलब हो सकता है तो मैं जो हाथों से जैसे नाइट ड्रेस जो होती हैं वो मतलब इनको पहना के रखती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। अभी तो जुलाई चल रहा है, अगस्त तक थोड़ा यहाँ पे ज़्यादा गर्मी रहती है। तो ये था हमारे अनक बाबू का श्रृंगार, तो बहुत प्यारा लगता है बच्चा। तो ये मैंने इनका श्रृंगार कर दिया, अब इनको भी इनके स्थान पर बिठा दूंगी। बिठाने के बाद ये देखिए अब करते हैं, ये था मैंने शिवलिंग का थोड़ा सा श्रृंगार किया था। और ये मैं एक और चीज़ बता देती हूँ कि जब भी जैसे सावन के सोमवार लगे तो आप मतलब दो जल लोटा में भर के रखिएगा, क्योंकि जो मतलब शिव जी के सिर पर जो गंगा माँ है उनके लिए भी मतलब एक जो लोटा है वो चढ़ाया जाता है, तो इसीलिए मैं दो लोटे मतलब भर के रखी हूँ। और शिवलिंग का भी मैंने श्रृंगार किया है, थोड़ा सा उनको रुद्राक्ष माला पहना दी है, तो उस वजह से क्या है कि वो ढक गया है, तो उनका श्रृंगार भी मैंने जो मतलब उस रूप में किया है जैसे हनुमान जी वाले रूप में किया था शिवलिंग का श्रृंगार। तो मैं फोटो शेयर करूंगी या तो या फिर मतलब ऐसे मैं आपको दिखा देती हूँ। चलिए आप करते हैं राम दरबार का श्रृंगार। तो राम दरबार का श्रृंगार करने के लिए मैं सिंपल, क्योंकि इनको ज्यादा कपड़े बनाने में नहीं आते हैं, तो मैं इनका सिंपल श्रृंगार कर रही हूँ क्योंकि मंगलवार है तो मैं इनको नहला देती हूँ। तो यहाँ पे भी एक हनुमान जी हैं छोटे से जो इनके बीच में बैठे हुए हैं। तो अब आ गए हैं हमारे ये वाले जो वैक्स वाली जो मतलब मूर्तियाँ होती हैं उसमें भी मतलब मेरे पास एक ये प्रतिमा है हनुमान जी की, तो मैं इनको भी श्रृंगार कर दूंगी। वो जो हनुमान जी थे मेरे पास जो दूसरे मैंने वो बाल रूप में है, तो उनका एक बच्चे के रूप में मतलब मैं उनको मानती हूँ। और ये जो बड़े वाले हैं इनको मैं
अपने मतलब गुरु और प्रभु जो भी आप समझ लें उनके रूप में मैं इनको मानती हूँ। तो ऐसे मैं दोनों का अलग अलग मतलब करती हूँ। तो अभी मैंने इनका भी श्रृंगार कर दिया है। अब श्रृंगार करने के बाद नॉर्मल इनको अभी मुकुट भी लगा दूंगी। तो मैं ज़्यादातर इस वाली जो मतलब प्रतिमा है इसको मैं कपड़े वगैरह कम ही पहनाती हूँ, और अभी गर्मी ज़्यादा चल रही है तो मैं सब प्रभु जी को कपड़े कम कम ही पहना रही हूँ। तो कैसा लगा आपको ये वाला मेरा वीडियो?